मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज जो हम दवा पढ़ने जा रहे हैं वो है एबिस नाइग्रा। तो जैसे पिछली दवा हमने पढ़ी थी एबिस कैनाडेंसिस हेमलॉक स्प्राउस, तो ये ब्लैक स्प्राउस कहलाती है और ये भी कोनिफर फैमिली की दवा है। ए पावरफुल एंड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी, ये एक पावरफुल मेडिसिन है और लंबे अरसे तक असर करने वाली दवा है। यानी जितनी भी लॉन्ग एक्टिंग रेमेडीज हैं उनको आप अगर उनका इफेक्ट शुरू हो जाता है तो फिर आप उसको रिपीट ना करें तो बेहतर है। इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिजीज, मुख्तलिफ बीमारियों में ये इस्तेमाल होती है। व्हेन एवर द कैरेक्टरिस्टिक स्टमक सिम्टम्स आर प्रेजेंट, जब मेदे की मखसूस अलामात पाई जाए तो ये दवा जो है, जैसे एबिस कैनाडेंसिस जो है उसका म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर इफेक्ट है और चूंकि मेदा जो है उसमें सबसे बड़ी म्यूकस मेम्ब्रेन है तो इसलिए मेदे की अलामत उसमें मिलती है। एबिस नाइग्रा में भी मेदे की अलामत आपको ज्यादा मिलेंगी या वाजे होंगी। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, यानी इस दवा की ज्यादातर अलामत जो है वो निजाम हजम से मुतालिक है या हाजमे से मुतालिक हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के साथ आपको मिलेंगी। इन डिस्पेप्टिक ट्रबल्स ऑफ द एजेड, खास तौर पर बूढ़े लोगों में जो बदहजमी की शिकायत होती है और उसके साथ अगर फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स भी हों, यानी मेदा खराब है और मरीज को ये महसूस होता है जैसे उसको दिल की तकलीफ शुरू हो गई है, और ये उन लोगों में है कि जो ज्यादा चाय तंबाकू या स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, आल्सो आफ्टर टी आर टोबैको, साथ कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन, पेन इन द एक्सटर्नल मीटस, कान का जो बिरूनी सुराख है उसमें दर्द, ये भी इसकी एक अलामत है। तो ये मेदे की अलामत बूढ़े लोगों में, जबकि जिनमें दिल की तकलीफ जो फंक्शनल हार्ट सिम्टम्स हैं, यानी एक्चुअली उनको दिल का प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन उनको लगता ऐसे है जैसे उनको दिल की तकलीफ हो गई है, दिल की धड़कन तेज हो गई है या दिल की धड़कन स्लो हो गई है या दिल का दर्द उनको फील होता है चेस्ट में और मरीज जो है वो घबरा जाता है, तो ऐसे बूढ़े लोगों में इनमें देखा ये गया है कि ऐसे लोग मैंने अपने प्रैक्टिस में देखे हैं जो कि पेन किलर्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या डिस्प्रीन का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उनमें भी ये अलामत जो है वो मेदे की अलामत जो है वो आपको मिलती हैं। चाय तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोगों में भी ये अलामत आपको मिलेगी। सर की अलामत में हॉट विद फ्लश्ड चीक्स, सर गर्म होता है और गाल जो है वो सुर्ख होते हैं। लो स्पिरिटेड, मरीज जो है वो लो फील करता है यानी डिप्रेस होता है, कमजोरी फील करता है। डल ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त मरीज सुस्त होता है जबकि राहत को वो जागता है, वेकफुल एट नाइट, दिन को सुस्ती छाई रहती है रात को जाग जाता है। अनएबल टू थिंक, लेकिन ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकता। अब जो मेदे की अलामात हैं जिसके गिर्द इस दवा की जो मेन अलामात हैं वो घूमती हैं, तो उनमें पेन इन द स्टमक ऑलवेज कम्स ऑन आफ्टर ईटिंग, मेदे में दर्द हमेशा खाने के बाद होता है, तो ये इसकी एग्रवेशन है, यानी खाने के बाद मेदे में दर्द का एहसास होता है। सेंसेशन ऑफ ए लंप That hurts, as if a hard-boiled egg had lodged in the cardiac end of the stomach. तो मेदे के मुंह पर, यानी cardiac end of stomach जो कहलाता है, मेदे के मुंह पर मरीज को ऐसा एहसास होता है जैसे वहां एक उबला हुआ अंडा रखा हुआ या एक लंप की सेंसेशन है, एक गांठ की सी फीलिंग है, जैसे फूला हुआ है, सोजन है, एक ढेले का एहसास है या पत्थर पड़ा हुआ है या गेंद का एहसास है या गोले का एहसास है। तो मुख्तलिफ मरीज जो है वो इस सेंसेशन को मुख्तलिफ तरीके से बयान करते हैं, लेकिन होम्योपैथी की खूबसूरती ये है कि
जो अलामात प्रूफ की गई हैं वो पेशेंट लैंग्वेज में रिकॉर्ड की गई हैं, और जब मरीज अलामात बताता है तो बाज़ोकात डॉक्टर भी हैरान रह जाता है कि ये मरीज जो है वो इस कदर सेंसिटिव है कि वो उस दवा की सही फीलिंग और सेंसेशन जो है वो आपको कन्वे करता है। जैसे मरीज आके अगर कहे कि मुझे ये फीलिंग है जैसे मेरे उबला हुआ अंडा रखा हुआ है, ये दूसरा मरीज आ कहता है मुझे पत्थर की फीलिंग है, तीसरा मरीज आ कहता है मुझे गोले का एहसास है। तो ये एक डिफरेंट सेंसेशंस हैं और इसकी डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो हो सकती हैं। तो अब इस गोले के एहसास की वजह से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअल डिस्ट्रेसिंग कंस्ट्रिक्शन जस्ट अबव द पिट ऑफ द स्टमक एज एवरीथिंग वाज नॉटेड अप। तो मेदे के मुंह पर यानी सीने की हड्डी जहां खत्म होती है और नीचे मेदा शुरू हो रहा है, तो ये हड्डी भी बाद लोगों में पेनफुल हो जाती है, उसका लोअर एंड जो है स्टर्नम का जो लोअर एंड है ये पेनफुल हो जाता है, यहां पर उसको एक तंगी का एहसास, दबाव का एहसास फील होता है या सुकड़ाव का एहसास फील होता है मेदे के मुंह पर, जैसे यहाँ पे कोई ग्रह सी लगा दी गई है, और खाने के बाद ये तकलीफ जो है मरीज की वो बढ़ जाती है। टोटल लॉस ऑफ एपिटाइट इन दी मॉर्निंग, सुबह के वक्त तो मरीज को बिल्कुल भूख ही नहीं लगती, यानी ये लोग आमतौर पर नाश्ता नहीं करते, बट ग्रेट क्रेविंग फॉर फूड एट नून एंड नाइट, लेकिन फिर दोपहर को और रात को इनको खाने का मौका होता है और ज्यादा भूख लगती है। ओफेंसिव ब्रेथ, सांस बदबूदार होता है और डिकार आते हैं। तो अब ये सारी पिक्चर है कि डिकार आ रहे हैं, मेदे के मुंह पर स्वेलिंग का, ढेले का, पत्थर का, फैलाव का, गांठ का एहसास है, और हार्ट सिम्टम्स जो हैं वो फील होते हैं बूढ़े लोगों में, चाय तंबाकू के इस्तेमाल के बाद, पेन किलर्स के इस्तेमाल के बाद, डिस्प्रीन के ज्यादा इस्तेमाल के बाद ये अलामात जो है पैदा हो जाती हैं। तो मैंने कई मरीज जो हैं जिनमें हाइटस हर्निया डायग्नोज हुआ है, तो इन मरीजों में भी इस दवा को कामयाबी से इस्तेमाल किया है। एक मरीज मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी डॉक्टरों ने तो ये हाइटस हर्निया डायग्नोज कर दिया है, तो मैंने उसको 30 की एक ही डोज दी, तो उसके बाद दोबारा उसने इसकी कंप्लेंट नहीं की। छाती की अलामात में आप देखें कि पेनफुल सेंसेशन, छाती में दर्द का एहसास, एज इफ समथिंग वर लॉज्ड इन दी चेस्ट, जैसे छाती में कोई चीज पड़ी हुई है, एंड हैड टू बी कफ्ड अप, और खांसी करके मरीज उसको बाहर निकालना चाहता है, यानी जैसे कार्डिक कफ होती है इस तरह की। लंग्स फील कंप्रेस्ड, फेफड़ों में एक सुकड़ाव का एहसास पाया जाता है या तनाव का एहसास पाया जाता है, दबाव का एहसास पाया, यानी छाती पर दबाव फील होता है या दर्द होता है, जिससे मरीज को ये फील होने लगता है कि शायद उसको एंजाइना का दर्द है या हार्ट पेन है। कैन नॉट बी फुली एक्सपेंडेड, और उसको लगता है कि उसकी छाती पूरी तरह नहीं फैल रही, यानी सांस जो है वो पूरा अंदर नहीं जा रहा है। वर्स कफिंग, खांसी करने से भी तकलीफ जो है वो बढ़ती है। वाटर ब्रश सक्सीड्स कफ, यानी खांसी जब आती है तो उसके बाद फिर एक आबी कह की कैफियत पैदा हो जाती है, इंतजामी सी कह जो है वो आती है, वाटर ब्रश की कैफियत होती है, मुंह में पानी भर आता है। चोकिंग सेंसेशन इन दी थ्रोट, तो गले में दम घुटने का, सांस रुकने का या गला घुटने का सा एहसास होता है। डिस्निया, सांस में तंगी होती है। वर्स लाइंग डाउन, और लेटने से ये सांस की तंगी जो है वो बढ़ जाती है और मरीज आमतौर पर सीधा नहीं लेट सकता, मैंने ये देखा है। कटिंग पेन इन दी हार्ट, तो दिल में भी ये दर्द महसूस होता है दिल की तरफ। हार्ट एक्शन एक्शन हैवी एंड स्लो, दिल की धड़कन जो है वो लगता है जैसे बोझल हो, यानी जैसे थका हुआ दिल धड़क रहा हो, तो इसमें दोनों कैफियत पी जाती है, यानी स्लो भी हो सकती है दिल की धड़कन और तेज भी हो सकती है, यानी ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया दिल की धड़कन जब तेज हो जाए, ब्रैडीकार्डिया जब दिल की धड़कन स्लो हो जाए। तो अब ये मेदे की अलामात और ये चेस्ट की अलामात और दिल की अलामात, ये ऐसी पिक्चर हैं जिसको फौरन आप पहचान सकते हैं। पेन इन स्मॉल ऑफ द बैक, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, रिमेटिक पेन्स हैं,
यानी री और बाई की दर्दें हैं, एंड एकिंग इन द बोन्स, और हड्डियों में भी दुखन का एहसास होता है। नींद में वेकफुल एंड रेस्टलेस एट नाइट, रात को मरीज जो है वो नहीं सोता, दिन को सुस्त रहता है, रात को नींद नहीं आती और रात को उसको भूख भी लगती है, बैड ड्रीम्स और बुरे ख्वाब भी देखता है। बुखार में कभी तो सर्दी लगने लग जाती है और कभी बुखार हो जाता है, जैसे मलेरिया में होता है, सर्दी लगी बुखार हो गया। तो ये क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर, यानी बारीक के जो बुखार हैं या जो क्रॉनिक अगर हों और उसमें मेदे की अलामत भी पाई जाए, पेन इन स्टमक, तो फिर एबिस कैनाडेंसिस के बारे में आप सोचेंगे। मोडलिटी इसकी बड़ी वाजे है कि ये खाने के बाद इसकी तकलीफ बढ़ती है। रिलेशनशिप में आप इसको कंपेयर करेंगे लंप इन द स्टमक, यानी मेदे में गोले का एहसास, तो इसमें बाद लोग कहते हैं ये पत्थर का एहसास है, गोले का एहसास है, गेंद गेंद का सा एहसास है, ढेले का एहसास है, गांठ की सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसमें आप चाइना ब्रायोनिया और पल्स्टिला के साथ भी आप इसको कंपेयर करेंगे। और चूंकि ये कॉनिफर फैमिली की दवा है, तो जो दूसरी कॉनिफर्स हैं जैसे थूजा है, सिपाइना है, क्यूप्रिसस है, तो इसमें भी पेनफुल इंडाइजेशन होती है, यानी बदहजमी होती है और दर्द भी होता है। आल्सो नक्स वर्मिका एंड कालीकार्ब, इसके साथ भी आप इसको कंपेयर करें, क्योंकि नक्स और कालीकार्ब के भी अलामत, यानी कमर दर्द है, मेदे के अलामत हैं, तो कालीकार्ब आप देखेंगे। फर्स्ट टू 30th पोटेंसी इसकी डोज है, तो मैंने आमतौर पर इसको 30th पोटेंसी में इस्तेमाल किया है और इसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन हम ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एब्राटिनम। तो अपना ख्याल रखिए और होम्योपैथी जो है इसकी स्टडी का सिलसिला जारी रखिए। शुक्रिया।